Hello guys, welcome back to my channel Loaded with Creativity. I make a fancy dress for my kids of his school competition. He is looking very cute in this dress. So let's start. मैंने एक चार्ट पेपर लिया है और उसे हाफ फोल्ड कर लिया है और बीच से कट कर लिया है। और इसका एक पार्ट मैंने ले लिया है और एक पार्ट साइड में रख लिया है। जो एक पार्ट मैंने लिया है उस पर मैंने एक बिग कोकोनट ड्रॉ किया है मेरे किड्स के साइज के हिसाब से, उसके नेक के हिसाब से। नेक का साइज हम अपने किड्स के साइज के हिसाब से लेंगे। और देखिए मैंने इसे कितना ब्यूटीफुल ड्रॉ कर लिया है इस तरह से। और इसके आउटर साइड हम कट कर लेंगे। मैंने इसे कट कर लिया आउटर साइड को अच्छी तरह से। इस तरह से इसके बाद मैंने वाटर कलर का यूज किया है। आप पोस्टर कलर भी यूज कर सकते हो। ब्राउन कलर लेके मैंने सारे पूरे कोकोनट को अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, ओनली नेक वाला एरिया छोड़कर। अच्छे से इसे रफली कलर करेंगे। प्लेन नहीं भी रहे तो भी यह चलेगा, क्योंकि तो इसके ऊपर फिर हम कोकोनट के छिलकों को सेट करेंगे। ये बस मैंने कलर इसलिए किया है कि अगर कोकोनट के बीच से भी, उसके छिलकों के बीच से भी अगर कोई एरिया दिखेगा तो वो पता नहीं चलेगा, वो भी ब्राउन ही रहेगा। से अच्छी तरह से मैंने कलर कर लिया है। अब मैंने ब्राउन स्केच पेन का यूज किया है इसके नेक को और टॉप एरिया को कलर करने के लिए। इसकी लाइनिंग जो है मैंने ब्राउन स्केच पेन से किया है। इस पर हम लाइनिंग बनाएंगे, लाइन खूब अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे ताकि ये ऊपर का कोकोनट का वो एकदम रियल शेप नजर आए। देखने में यह एकदम असली कोकोनट लगेगा। इसको थोड़ा डार्क करेंगे, थोड़ा सा मोटा लाइन बनाएंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। इसी तरह अंदर वाला एरिया भी हम इसकी भी लाइनिंग कर लेंगे। लाइनिंग अंदर की भी करेंगे छोटे बड़े के हिसाब से, ये रियल कोकोनट का लुक आए।
रियल कोकोनट लग रहा है अभी। और मैंने कटर का यूज़ करके इसके अंदर के जो नेक वाला एरिया है उसको कट कर लिया है। और मैंने सीज़र का भी यूज़ किया है, कटर से थोड़ा सा कट करके फिर मैंने सीज़र का यूज़ करके इसको कट किया है। सीजर से अच्छे से कट कर लेंगे। ये नेक वाला एरिया है, मैंने इसे निकाल लिया। और इसके बैक साइड का जो स्ट्रिप है उसे मैंने बीच से कट कर दिया है कि अपने बच्चे को पहनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसे मैं बाद में टेप लगाऊंगी। मैंने रिबन ले लिया है गले में टांगने के लिए। मिडिल एरिया में वो अच्छे से एक होल बना के पेंसिल से निशान लगाकर मैंने होल बना लिया। पेंसिल, कटर या जो भी शार्प चीज़ों का यूज़ करके आप अच्छा सा होल बना लोगे। फिर मैंने टेप लगा दिया कि वो होल फटे नहीं। टेप लगा के फिर को अच्छे से छेद कर लिया है। आप किसी भी शार्प चीज का यूज करके आप होल को बना सकते हो। यह है कि वो होल ज़्यादा बड़ा ना हो, बस हमें रिबन डालना है उसमें। रिबन भी अपने बच्चों के साइज का ही लेंगे, साइज के हिसाब से। जैसे मैंने रिबन डाल के उस पर नॉट लगा दी। नॉट आगे के साइड होगा, पीछे के साइड से रिबन निकालेंगे। सकते हो किड्स को लगा के। फिर मैंने जो सेकंड पार्ट रखा था उसका मैंने यूज किया है कैप बनाने में। हाफ से थोड़ा सा कम साइज का लेकर मैंने काट लिया और उसे एक कोन की तरह शेप देके उस पर स्टेपल कर लिया। फिर कैची से मैंने राउंड शेप में अच्छे से उसे कट कर लिया राउंड करके। जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने निकाल दिया और ये एक कैप का शेप हो गया। मैंने इसे भी ब्राउन कलर से कलर कर लिया पूरा पूरा। भी हम होल बना देंगे रिबन लगाने के लिए। रिबन भी यूज कर सकते हो, लास्टिक का यूज कर सकते हो जो लास्टिक आती है सॉफ्ट वाली, बट अभी मैंने रिबन का यूज किया है। उनमें रिबन को डाल के नॉट लगा लेंगे। Thank you.
आप इस पर टेप लगा सकते हो। मैंने टेप लगाया है ताकि ये खराब ना हो। रिबन के साइड को हल्का सा हम जला देंगे क्योंकि रेशे निकलने लगते हैं। मैंने इस पर टेप लगा दिया। अब इस पर ग्लू, जहाँ जो साइड खुला हुआ है था उस पर मैंने ग्लू लगा के अच्छे से चिपका दिया है। थोड़ी देर के लिए दबा कर पकड़ना पड़ेगा, फिर इसके एकदम सेट हो जाएगा। मैंने कोकोनट के छिलकों को इकट्ठा कर रखा था, मैंने उन छिलकों को ले लिया है। 2 से 3 कोकोनट के छिलके यूज हो जाएंगे और मैंने ये इस तरह से यूज किया है। इसके जो साइड के जो गंदे पार्ट थोड़े से नज़र आ रहे थे और इक्वल बराबर नहीं थे, उन्हें मैंने कट कर लिया है और थोड़े से इनको फैला लिया है ताकि ये अच्छे से चार्ट पेपर पे सेट हो जाए। इकट्ठा कर लिया मैंने। अब मैंने ग्लू का यूज़ किया, फेविकोल ग्लू का। आप चाहो तो ग्लू गन का भी यूज कर सकते हो। फेविकोल लगाकर मैंने एक कोकोनट को इस तरह से टेस्ट कर लिया है। आप इस पे कुछ हैवी चीज भी रख सकते हो ताकि यह अच्छे से पेस्ट हो जाए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे मेरा वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने इसी तरह पूरे पार्ट पे ये ग्लू लगा के कोकोनट को चिपका लिया। नेक एरिया को छोड़ के पूरे एरिया पर कोकोनट के छिलकों को चिपका लेना है। चिपकाते टाइम आप कुछ हैवी चीज़ भी इसके ऊपर रख दोगे तो ये अच्छे से दबा रहेगा और सूखने के बाद एकदम चिपक जाएगा। इसी तरह हम कैप पर भी ग्लू लगाकर अच्छे से उसको चिपका लेंगे। थोड़ी देर हैंड से प्रेस करेंगे। कोकोनट के छिलके बाहर निकल गए, उसे मैंने कैंची से काट लिया है और हैंड से टेस्ट करके रखेंगे उसको। इसे अच्छे से हैंड से प्रेस कर देंगे
थोड़ी देर के लिए हल्का सा दबाना पड़ेगा, फिर ये अच्छे से पक जाएगा। और जो एक्स्ट्रा है कोकोनट के छिलके हैं उन्हें आप कट कर देना। अब ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हमारी कैप भी रेडी है, हमारा ड्रेस भी रेडी है फॉर द कॉम्पिटिशन। मेरे बेटे ने इस ड्रेस को पहन के फर्स्ट प्राइज लाया था, उसे फर्स्ट प्राइज मिला था इस कॉम्पिटिशन में। हमें कितना क्यूट लग रहा है, देख सकते हैं। और इसके पीछे मैंने इसका जो नेक एरिया था जो मैंने कट किया था उसे मैंने अच्छे से टेप लगा दिया है, टेप लगा के सेट कर दिया है। दिस इज रेडी।